वर्ष 1981 से अब तक 370 लाख लोग एड्स के शिकार हो चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एड्स क्या है, एड्स दिवस क्यों मनाया जाता है, एड्स के लक्षण क्या हैं, एड्स कैसे फैलता है और इसका इलाज क्या है, ठीक ना। तो सारी वीडियो देखिए, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए, वर्ष 1981 में एक बीमारी फैली जिसका नाम एड्स दिया गया। यह वर्तमान समय तक 370 लाख लोग इससे प्रभावित हो चुके हैं, यानी कि 30.7 मिलियन पीपल, ठीक, लोग एड्स के शिकार हो चुके हैं। एड्स क्या है, तो यह हम सरल शब्दों में बताएं कि एड्स क्या है। तो यह एक प्रकार की ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति की प्रतिरक्षा तंत्र, यानी कि उसको बीमारी से लड़ने की क्षमता, एंटीबॉडी बिल्कुल नष्ट हो जाती है धीरे धीरे। उसमें शरीर में ब्लड में RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स की संख्या कम हो जाती है। यह HIV वायरस यानी कि ह्यूमन इम्यूनिटी डिफिशियंसी वायरस के शरीर में प्रवेश हो जाने से फैलता है। अब आइए जानते हैं कि एड्स का पूरा नाम क्या है। एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक। अब आइए जानते हैं कि एड्स का लक्षण क्या है। जब ये बीमारी फैलने लगती है तो इसके कुछ लक्षण आपको दिखेंगे, जैसे कि इसे फैलने में लगभग 3 से 4 महीने लगते हैं, यानी कि बुखार आना लगातार, पसीना आना, ठंड आना, थकान, भूख कम लगना, उल्टी होना, खांसी होना, श्वास समस्या और श्वास में समस्या, तथा इसके 2 मुख्य लक्षण हैं, जैसे कि शरीर में लाल लाल चकते चकते हो जाने, और दूसरा गले में आपकी घाव हो जाएगी, ठीक, या फिर खसखसाहट जोर जोर से होने लगेगी। तो जान लीजिए कि मुझे एड्स होने वाला है या फिर HIV के विषाणु मेरे शरीर में प्रवेश कर चुके हैं। अब आइए जानते हैं कि ये HIV के विषाणु, जो कि एक प्रकार का कीड़ा समझ लीजिए, यह शरीर में प्रवेश कैसे होता है, यानी कि एड्स कैसे होता है। तो एड्स होने के मुख्यतः 3-4 बातें होती हैं। पहला है असुरक्षित यौन संबंध। असुरक्षित यौन संबंध का मतलब है कि आप यौन संबंध एक से अधिक व्यक्तियों के साथ करते हैं, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के साथ करते हैं जो संक्रमित है, तब आपको एड्स होने की संभावना होती है। दूसरी, जब डॉक्टर सुई देती है जिस सिरिंज में वह एक से ज़्यादा व्यक्तियों को प्रयोग किया जा चुका है, तब आपको एड्स होने की संभावना होती है। तीसरी, संक्रमित खून अगर आपके ब्लड में चढ़ाया जाए तो एड्स होने की संभावना होती है। मतलब कुल कहना यही कि शरीर का आंतरिक भाग अगर दूसरे व्यक्ति के आंतरिक भाग में जा गया तो आपको एड्स होने की संभावना होती है। अब आइए जानते हैं कि इसका इलाज। तो एड्स का इलाज कुछ नहीं है अभी तक, यह एक लाइलाज बीमारी है 1981 से अब तक, लेकिन इसके बढ़ते प्रकोप के कारण 2005 में सबसे ज़्यादा और 2007 में पूरे फैला था। यह भारत में थोड़ी कम है, लेकिन भारत में इसकी संख्या 21 लाख लोगों तक फैल चुकी है, ठीक। इसकी खोज 1981 में की गई थी। जब यह काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फैलने लगा तब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 1 दिसंबर 1987 में इसे महामारी घोषित कर दी, और उसी दिन से 1 दिसंबर को इसे विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाने की घोषणा भी कर दी। तो यह होता है एड्स। यह एक होने के बाद व्यक्ति अगर इलाज ना कराया तो 1 साल के अंदर इसकी डेथ यानी कि मौत होने की संभावना होती है, साथ ही अगर इलाज करवा लेते हैं तो यह 20 साल तक बच सकते हैं। वैसे इसकी परमानेंट इलाज नहीं होती है, लेकिन इनकी बचने की संभावना डॉक्टर के पास जाने से बढ़ जाती है। तो आप ध्यान में रखें कि आपके परिवार में कोई एड्स ना हो। 1 दिसंबर में एड्स इसलिए मनाया जाता है, एड्स दिवस, ताकि लोगों को एड्स की जानकारी हो कि यह क्या है और कैसे फैलता है। आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप दूसरों को शेयर कीजिएगा। यह इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।